हे गाइस, इट्स अनुपमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट बुक ऑन फाइंडिंग योर पैशन एंड पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरी तरफ बुक रीड करते हैं देन आपको सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प बुक में यही मिलता होगा कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप जिसके लिए पैशनेट है। बट अपना पैशन सर्च कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। आज जिस बुक के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि उस बुक कंप्लीट करते ही आपको आपका पैशन मिल जाएगा। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि अगर आप उस बुक को फॉलो करते हैं देन आपको एक रूट जरूर मिल जाएगा, जिससे अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको आपका पैशन ढूंढने में मदद मिलेगी और आप ढूंढ भी पाएंगे। फर्स्ट बुक है द पावर ऑफ मीनिंग बाय एमिली एस एफ फानी। सो ये जो ऑथर है वो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पर्पस बताते हैं और आप अपना पैशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो एमली है वो आपको नॉलेज ही नहीं बल्कि सारे एज ग्रुप के लोगों का जो कैरियर को लेकर के उनका थॉट है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रोसेस रही, उन सारी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगी और वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं वो भी। सो अगर आप ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बुक को फर्स्ट में रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लोगों की जो एक्सपीरियंस है और उनकी एडवाइस मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो उसमें ये आपको मदद करेगी। नेक्स्ट बुक है द क्रॉस रोड ऑफ शूड एंड मस्ट बाय एल ए लूना। ये जो बुक है इसके मैं डिटेल रिव्यू पहले से ही दे चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल रिव्यू चेक करना देन आपको वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो बुक है ये पर्सनली इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा मेरा, इसे मैंने अभी रिसेंटली कम्प्लीट किया है। इस बुक में हम जानेंगे कि कुछ शूड और मस्ट है वो आपका क्रॉस रोड है। मतलब मस्ट वो है जो आपको एग्जैक्टली करना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं। शुड वो है जो लोग आपको करने को कहते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको फोर्स करते हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि हम शुड पे चले जाते हैं, मस्ट को उतना ध्यान नहीं देते। और जो ऑथर है एले लूना वो अपनी जर्नी को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने पैशन को फाइंड किया। ये बुक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स मिलेंगे और आप बोर नहीं होंगे और आप जल्दी इसे कंप्लीट भी कर लोगे। मीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट बुक है आई कुड डू एनीथिंग बाय बारबरा शे। अगर आप उन लोगों में से जो आपको आपका पैशन तो पता है बट फिर भी आप गिव अप कर चुके हो, मीन्स आप कोई भी गोल कंप्लीट करने से पहले ना क्या होता है कि कभी कभी कोई इस तरीके का स्ट्रगल आता है जिससे कि हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं होती है, मोटिवेशन नहीं होती है और फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। और ये जो चीज़ है यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, अपना पैशन को फॉलो नहीं करने देती है। ये जो बुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से मदद करेगी। आपके गोल आपके पैशन के बीच में जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं लाइक निगेटिविटी फेलियर या फिर कोई भी फियर है किसी भी चीज़ का, तो आप उनसे किस तरीके से डील कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगर आपने पैशन को फाइंड कर लिया है या फिर नहीं किया है या फिर आप करके उसे गिव अप कर चुके हो, ये सारे सिचुएशन में ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप पैशन किस तरीके से जान सकते हैं, किस तरीके से अपने गोल को क्लियर कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको डिस्कस मिलेगा। नेक्स्ट बुक है द हैप्पीनेस ऑफ परस्यूट बाय क्रिस कुलेबू। ये जो ऑथर है वो आपको मदद करेंगे कि आप किस तरीके से अपने काम को अपने लाइफ को एक मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इंटरव्यू मिलेगी लोगों का जो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो काम कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर रहे हैं। काम करने के बीच में जो डेली चैलेंजेस आते हैं उसको आप किस तरीके से डील कर सकते हैं, उस सारे सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे आपको मिला है और क्या वो सीक्रेट है जिससे लोग अपने काम को अच्छे से कंप्लीट भी कर रहे हैं और वो उसमें खुश हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट बुक है द पर्पस ड्राइवन लाइफ बाय रिच वार्नर। क्या आपके पास भी ये सवाल है कि वाकई हमारे लाइफ का कोई पर्पस है जिसके वजह से हम यहाँ आए हैं? अगर हाँ देन इस सवाल का जो आंसर है वो रिच वार्नर ने अपने बुक में प्रोवाइड किया हुआ है।
और उन्होंने ये भी शेयर किया कि आप किस तरीके से अपने काम को मोटिवेशन, सिंपलिसिटी, फोकस के साथ काम कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो एक काम के लिए नीडेड होती है वो आप किस तरीके से उसके साथ अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आपके पैशन सर्च करने तक का जो जर्नी होगा वो मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं काफी इंटरेस्ट के साथ उसे सुनना पसंद करूंगी।